यहीं से कन्हैया जी, कल आपने कपास खली में भी कुछ बताया था और आज की बात करें तो आज हमने कपास खली में तेजी बनते हुए देखी है, कल भी आपने तेजी बताई थी, सत्य साबित होती हुई नजर आई है आपकी भविष्यवाणी कपास खली वाली। अब यहाँ से आगे क्या, कब क्या कपास खली में भी जीरे की तरह तेजी आगे जारी रहेगी? देखिए, कपास खली का सीधा संबंध कपास से होता है जी। कपास के अंदर जितनी अच्छी अराइवल है, जितनी अच्छी क्वांटिटी में उसकी पैदावार है, उसी आधार के ऊपर कपास खली का विश्लेषण करना उचित रहता है। गौरतलब है कि पशु आहार के अंदर कपास खली का सबसे ज्यादा उपयोग इसके दामों के वजह से होता है, इसके मूल्यों के वजह से होता है। और कपास के ऊपर जो अलग अलग दावे हो रहे हैं, यदि आप विशेषकर देखें कि यदि भारत के मौसम विज्ञान विभाग की बात सुन लें हम, तो उनके अनुसार 1 अक्टूबर से 2021 से 13 दिसंबर तक जो बरसात हुई है, औसत से 49% अधिक बताई जा रही है। और इसका सीधा सीधा असर जो क्रॉप कॉटन की क्रॉप्स की स्टैंडिंग पोजीशन थी, यानी खड़ी कपास की थी, उसके अंदर भी कुछ इस बरसात से नुकसान की संभावनाएं दिखाई दी। इसके अतिरिक्त एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो पिंक बॉल वॉर्म जो है, जो कि कीड़ा कपास को इस बार कपास के फसलों में लगा, इससे भी कपास के फसलों को कुछ आंशिक नुकसान भी हुआ है। अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग सूचनाएं, अलग अलग दावे हैं कि भारतीय सरकारी आंकड़े देख लें या फिर आप देख लें कि कॉटन एसोसिएशन देखें और ब्रोकर्स और व्यापारियों के अलग अलग दावे हैं, और लेकिन किसानों के बीच के अंदर बिल्कुल क्लियर मत है, वो अपना माल पूरा नहीं ला रहे हैं मंडियों में। कपास की जो अराइवल है वो अराइवल धीमी है। दूसरी, कपास के अंदर जो हर साल लगभग 10-15% की दागी माल होता था, इस बार जो 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 फसलें आ रही हैं कपास की, उसके अंदर दागी माल अधिक है और कुछ कहीं जगह तो 50-70% से दागी माल है, अच्छी क्वालिटी का बनी है। तो कुल मिलाकर जब तक अराइवल अच्छा नहीं होगा, कपास से ऑयल सीड नहीं निकलेंगे, कॉटन सीड ऑयल के नहीं निकलेंगे, तो कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपास से खली कैसे बनेगी? तो कुल मिलाकर संभावना यही है कि कपास खली तेज है, लेकिन एक महत्वपूर्ण यह है कि जो दूसरे ऑयल सीड्स हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे मस्टर्ड हो, उसका भी जो वेस्ट निकलता है, यदि सोयाबीन के और इनके लगातार बहुत तेजी से दाम गिरते हैं, तो उससे उनका जो खली भी निकलती है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक कपास खली के अंदर बड़ी मंदी की संभावनाएं शायद नहीं है। ये अखिलेश जी। जी, तो कर्नल जी के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार कपास खली में अभी मंदी की संभावनाएं नहीं है, कपास खली यानी बिनौला खल आगे तेजी की ओर जारी रह सकते हैं।